उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे से निर्माणाधीन सिलकियारा टनल में 40 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। पहले 36 मजदूरों के फंसे होने की सूचना थी। सोमवार सुबह उत्तरकाशी के सीओ प्रशांत कुमार ने कहा कि सुरंग के अंदर 40 मजदूर हैं और सभी सुरक्षित हैं। सीओ के अनुसार फंसे हुए मजदूरों तक ऑक्सीजन और खाना पानी पहुंचा दिया गया है। हम टनल के अंदर 15 मीटर तक जा चुके हैं और लगभग 35 मीटर और अंदर जाना है। देर रात तक मजदूरों से संपर्क हो गया है। हादसा रविवार सुबह 4 बजे का बताया जा रहा है, जब टनल का 50 मीटर का हिस्सा गिर गया। ड्रिल मशीनों के जरिए मदद की जा रही है, मलबे को काटा जा रहा है। पूरी रात रेस्क्यू की टीम काम करती रही। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, नेशनल हाईवे के करीब 156 लोग लगे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मजदूरों को निकालने में 2 से 3 दिन का समय और भी लग सकता है। देखिए, अभी हम अंदर से आ रहे हैं। हमने देखा कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चल रहा है, गतिमान है। वहाँ पर अभी एक बड़ी मशीन प्लेस हुई है जो कि उसको मलबा ऊपर से डेबरी गिर रहा था उसे कंसोलिडेट करने का काम कर रही है। एक बार जैसे ही वो थोड़ा स्टेबल होता है तो अंदर जाने का रास्ता और गहरा किया जाएगा। अभी फिलहाल में इतना ही अपडेट। सर, ऑक्सीजन के अंदर की आप यहाँ पर जैसे कंप्रेसर भी खराब चल रहा है तो अंदर का कुछ अपडेट है सर कि क्या अंदर ऑक्सीजन जा रही होगी? नहीं, ऑक्सीजन सप्लाई तो अंदर है, हमने पता किया है। स्टाफ ने ये बताया कि अंदर पानी और ऑक्सीजन की सप्लाई तो लगातार बनी हुई है। सर, कोई अंदर से कोई संपर्क का कोई अंदर से संपर्क के लिए दिन में एक बार संपर्क हुआ था, वहाँ से उन्होंने एक पानी का सोर्स के थ्रू यहाँ पर भेजा था। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अंदर से अभी हमको निकाल लेंगे।